Welcome to my YouTube channel. My goggles is very cool. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नियो और आपका स्वागत है व्लॉग्स बाय नियो चैनल पे। आज का अपना व्लॉग है ये कैमरा के बारे में, जो है Samsung Galaxy A70। मैंने एक चीज़ नोटिस किया इसमें, जो नॉर्मल पब्लिक जो गिम्बॉल यूज़ करता है इसमें उसका ज़रूरत नहीं है। अभी देखो मैं चल के जा रहा हूँ और इसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। और जैसे मैंने बताया आपको, मैंने एक्चुअली ये नोटिस किया पहले कि जब मैं व्लॉग कर रहा था तो पहले मेरे पास हुआवी मेट 10 प्रो था, लेकिन अभी जो है इसका अलग ही एक डिफरेंस मुझे पता चला। तो मैंने सोचा यार इसका ब्लॉग ही बना लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा गैलेक्सी A70 का जो है कैमरा जो एंटी शेक प्रॉपर्टी है बहुत ही अच्छा है इसका। गर्मी बहुत ज़्यादा है दुबई में अभी, एक्चुअली मैं गाड़ी में आके बैठा यार, 42 डिग्री। तो अभी मैं एक्चुअली गाड़ी के अंदर हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ इसके बारे में, इस कैमरा का जो है। मैं इसलिए व्लॉग बनाने के लिए सोच रहा था इस कैमरा का, क्योंकि ये है इसका मतलब। यार मेरे पास गिम्बॉल पड़ा हुआ था पहले, सब कुछ था, उसको पकड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका स्टेबिलिटी देखना पड़ता है, बहुत कुछ हिसाब है। लेकिन इसमें जो है मैं देख रहा हूँ कि कुछ नहीं, सिंपल से एक फ़ोन है और इसका जो क्वालिटी है यार, जो स्टेबिलिटी का जो क्वालिटी है बहुत ही, स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा है वीडियो का। तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर एक वीडियो बना लूँ और आप लोग को दिखाऊँ पूरा जो टेस्ट वीडियोस है। ये बल्कि 1920x1080 पिक्सल्स पे अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसमें दूसरे एक और फीचर है जो है 2000 पिक्सल्स का, 2180 या समथिंग है, फिर अल्ट्रा HD भी इसका रिकॉर्डिंग है। तो अभी मुझे मालूम नहीं इसका स्टेबलाइजेशन किस में ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। मैंने देखा है कि जो 2000 जो पिक्सल है, जो मतलब थोड़ा और अच्छा क्वालिटी वाइड एंगल जो है उसमें भी अच्छा इसका स्टेबिलिटी काम करता है। अभी ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ, 1920 में भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और 1920 में एक और अच्छा फीचर है जो है 60 फ्रेम्स पर सेकंड का इसका रिकॉर्डिंग। तो देखते हैं दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, यह है सैमसंग गैलेक्सी A70 का रियर व्यू जो मैंने रिकॉर्डिंग किया है। आज फ्राइडे का दिन है, मैं और याविन अक्सर फ्राइडे के दिन शाम को 5 बजे से लेके 6-6:30 तक हम लोग स्विमिंग करने जाते हैं। हमारे अपार्टमेंट में ये स्विमिंग पूल है। आप देख सकते हो इसका जो कैमरा का जो क्वालिटी है। और देखिए अभी हम लोग पार्किंग लॉट से आ रहे हैं और याविन अभी चल रहा है और मैंने हैंड हेल्ड ये एक्चुअली सैमसंग गैलेक्सी A70 पकड़ के मैं चल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में याविन दौड़ेगा, उसके पीछे मैं भी दौड़ रहा हूँ। इसका स्टेबिलिटी देखिए, यही मेन चीज़ है इस व्लॉग के बारे में। अभी उसके बाद मैंने कैनन G7X Mark II से मैंने ये रिकॉर्डिंग किया हुआ। मैं इसलिए ये रिकॉर्डिंग किया ताकि आप लोग को इसका डिफरेंस पता चले, क्वालिटी एक सेमी प्रोफेशनल कैमरा और हमारा जो फ़ोन है। अभी आप देखिए इसका कलर क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ही, मैंने ये मैनुअल कंट्रोल किया तो ऑफकोर्स उसका जो फोकस पॉइंट और ये सब मैंने करके रखा है। एक जो प्रॉब्लम एक्चुअली डेफिनेटली फ़ोन पे हम लोग को ये होता है कि यार हम लोग मैनुअली बहुत कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे ISO हो गया, ये हो गया, बहुत कुछ चीज़ें। और लेकिन फिर भी व्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छा मुझे लगा ये A70। मैं ज़्यादातर फ़ोन पर ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा ये। ये देखिए इसका जो G7X Mark II का देखिए आप, स्टेबिलिटी उतना ख़ास नहीं जितना सैमसंग का था। जो मैंने सैमसंग में रिकॉर्डिंग किया था आपने देखा होगा, उसका स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा था। ये हविन अभी स्विमिंग सीख रहा है, अभी उसको मालूम नहीं है। पहले इसको इवन पानी में जाने के लिए भी डर लगता था, अभी थोड़े दिनों के बाद एक दो और स्कूल में भी उसको अभी एक्चुअली स्विमिंग सिखा रहा है, तो बहुत ही उसका फियर चला गया अभी, अभी उसको डर नहीं है एंड होपफुली वो जल्दी स्विमिंग सीख जाएगा। एंजॉय कीजिए दोस्तों ये वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माई वीडियोज़। और मैं डालते रहूँगा बहुत ही सारे टेक्निकल रिव्यूज़ हमारे जो चैनल में, प्लस बहुत चीज़ें जो है हमारे फैमिली के जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में आपको दिखता रहेगा इसमें।